तीसरे वनडे में ईशान किशन से हारा बांग्लादेश। 182 पर आउट हुई टीम। ईशान ने अकेले ने बनाए 210 रन। लगातार दो मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 227 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम क्लीन स्वीप होने से बच गई। यह वनडे क्रिकेट में रन के लिहाज से भारत की बांग्लादेश के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वही पिछली रिकॉर्ड 200 रन का यहां पर था। भारत ने 2003 में उस वक्त बांग्लादेश को 200 रन के अंतर से हराया था। चटगांव में शनिवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने ईशान किशन की डबल सेंचुरी और विराट कोहली के शतक यानी 44वें वनडे शतक की मदद से 50 ओवर में 8 विकेट पर 409 रन बनाए। ईशान ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 126 गेंदों पर ही दोहरा शतक जमा दिया। वह जवाब में बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन पर ही सिमट गई। साकिब अल हुसैन ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। भारत के लिए साधु ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। यानी बांग्लादेश ईशान किशन के जितना रन भी यहाँ पर नहीं बना पाया। वही स्कोर की यहाँ पर बात करें तो स्कोर में यहाँ पर भारत ने 409 रन का स्कोर यहाँ पर बनाया। बांग्लादेश की पूरी टीम 182 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वही बांग्लादेश की तरफ से अनमोल होक ने 8 और लेटन दास ने 29 रन की पारी खेली। साकिब अल हुसैन 43 पर आउट हुए। वही मुशफिकुर रहम 7 और इसके अलावा यासिर अली ने 25 रन की पारी खेली। इसके अलावा मेहंदी हसन 3 पर आउट हुए। आरिफ हुसैन 8 पर और तकसीन अहमद 17 पर आउट हुए। वही भारत की बोलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट झटका। वही शार्दुल ठाकुर ने 5 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके। वही अक्षर पटेल ने 5 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट झटके। इमरान मलिक ने 8 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट झटके। वही कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 53 रन देकर 1 विकेट झटका। वॉटिंग सुंदर ने 1 ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी झटका। वही भारत की बल्लेबाजी की बात कर दे तो भारत की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई है उसमें शिखर धवन 3 पर आउट हुए थे। वही ईशान किशन ने 210 रन बनाए थे। 131 गेंदों में उन्होंने 210 रन बनाए थे। 24 उन्होंने चौके लगाए और 10 छक्के पर उन्होंने अपनी पारी में लगाए। वही विराट कोहली ने 113 रन की पारी खेली। 11 उन्होंने चौके लगाए और 2 छक्के यहाँ पर उन्होंने अपनी पारी में लगाए। 91 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वही अय्यर की बात करें तो सहज अय्यर 3 रन पर आउट हुए। 6 बॉल का उन्होंने सामना किया था। इसके अलावा राहुल 8 रन पर आउट हुए और इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर 37 रन उन्होंने बनाए। 27 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाया। अक्षर पटेल भी इस मैच में 20 रन उन्होंने बनाए 17 गेंदों में। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 3 और कुलदीप यादव 3 पर नाबाद रहे। वही भारत की टीम 409 पर 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 410 रन का जो टारगेट है वो बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश की पूरी टीम 182 पर ऑल आउट हो गई।